ह्रीं वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा शान्ति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा अमानित्वं
manino bhava manitvam atmana shlaghanam tadabhava amanitvam. अभी तक की कुल चर्चा को यदि मैं कंक्लूड करूं तो मैं जैसा कल कह रहा था कि व्यक्ति के अभिमान के आने के तीन सोर्स हो सकते हैं, जहां से व्यक्ति को अभिमान आता है. एक जो पहला अभिमान का सोर्स है वो ये है, गुणों का अभिमान. गुणों का अभिमान मतलब अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको लेकर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है. मतलब मैं कह रहा था कि व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक भी समझे तो भी एक अभिमान है. और बड़ी सुंदर संतों ने पहचान बताई कि जहां झुकने से आपको कोई रोके, आप समझ लेना आपको अभिमान की बीमारी हो गई. थोड़ा बुरा लगेगा, पढ़े लिखे व्यक्ति को ज्यादा है और आप हम पढ़े लिखे जो आपके एक जनरेशन निकली, आने वाली जनरेशन तो इससे एक कदम आगे है. देखो क्या चीज है जो आपको झुकने से रोक रही है. मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये बस इसके आगे जो ला रखा है ये अभिमान है. तो पहला जरा एरिया अपना अपना सब पहचानिएगा. भगवान ने सबको कुछ न कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, कुछ खूबसूरती दे रखी होगी व्यक्तित्व में. कहीं उस खूबसूरती का व्यक्ति को अभिमान ना हो जाए. मैं कभी कहता विनम्रता का भी अभिमान ना हो जाए. तुलसीदास जी ऐसा बोलते हैं, मतलब विनम्रता का अभिमान भी कोई बड़ा अच्छा अभिमान नहीं, ये भी घातक अभिमान. तो आपके सामने एक मैं सिर्फ ऐसा कह सकते हैं, ये भी खाली इधर भी बैठ सकते हैं, यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ क्वालिटीज ना हो. मतलब कभी कभी मैं, अब आप क्या कह लें, बचपना भिखारी के पास भी बैठने पर आपको कोई ना कोई विशेषता समझ में आ जाएगी, बस समझने का दिमाग हो तो. मतलब हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेषताएं भरी पड़ी हैं, किसी में कम है ज्यादा है ये चलता है. तो अभिमान का जो पहला सोर्स है जरा पहचानिए, और आपको किस चीज का अभिमान है, तब मेरा ये पढ़ाना सार्थक है. कहीं मुझे अपनी किसी विशेषता का अभिमान तो नहीं है. विशेषता मतलब अपने गुणों का अभिमान तो नहीं है, ठीक है ना. मेरे ख्याल ये एरिया बहुत कुछ हो चुका है इतने दिनों में, बट आपको बस ये याद आना चाहिए, व्यक्ति को अभिमान का एक एरिया गुण है. गुण मतलब विशेषताएं, खूबसूरत व्यक्तित्व, उसकी कुछ न कुछ चीजें हैं जिनको लेकर आप अभिमानी हैं. नाउ सेकंड, दूसरा व्यक्ति को अभिमान है अपने कर्म को लेकर. मैं अमुक हूं, मैं ऐसा करता हूं. देखो मतलब मैं सन्यासी हूं तो मैं ऐसा कर्म करता हूं तो मुझे अब इस कर्म का भी क्या आ गया, अभिमान. देखो किसी कर्म से व्यक्ति को अभिमान न पनपे, तो अभिमान का एक दूसरा जो सोर्स है वो कर्म है. कर्म मतलब क्रिया. अब क्रिया का अभिमान मतलब मैं ही ये कर सकता हूं, दूसरा कोई लोचे. आए थे हरि भजन को, होटल लगे
और सबसे अच्छा ये खेल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलता है मुझे, और मैं भी हंसता हूँ अंदर अंदर। पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी बीत गई, वो ढाक के तीन पात्र रहा आदमी। अब मैं कभी कहता हूँ कि मान लीजिए दीप प्रज्वलन है, कोई चीज़ है, तो वो व्यक्ति कहता है मैं 20 वर्षों से मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा जी। अब ये क्या है, खराब कर्म का अभिमान नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म का भी, ये भी आपको क्या करेगा, दुखी करेगा। जब दूसरा वाला तैयार है तो आप उसको आने का रास्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने रास्ता तो रोक दिया ना, फिर आप बड़े हैं, आप पीछे हट जाइए। ये क्रिया का अभिमान है, ध्यान रखना, मैं बहुत सावधानी से, दुष्कर्म क्रियाकल छोड़ दीजिए, वो तो छोड़िए, सत्कर्म का अभिमान है, और सत्कर्म का फल अभिमान ही बताया गया है। भगवान से मिलन नहीं, सावधानी से कभी और गीता सुनिएगा, सत्कर्म अलग है, कर्म योग अलग है। जितना व्यक्ति सत्कर्मी है आपसे बताऊं, उतना व्यक्ति अभिमानी है, तो ये भी जरा देखिएगा। अब मैंने तो आपको एक इंस्टीट्यूशंस का उदाहरण दिया है, आप अपने घर घर का उदाहरण देखिएगा। ये काम मैं ही करता हूं तो इसलिए मैं ही करूंगा, क्योंकि अब तक मैं करता चला आया हूं जी, ये भी क्या हो गया, अभिमान। कौन से दो रिया हो गए, दो रिया बताइए, गुणों का अभिमान, कर्म का अभिमान, और तीसरा आखिरी संपत्ति वस्तु इनका अभिमान। ठीक है, संपत्ति का, वस्तु का, बड़े होने का, धनी होने का, इन सब का अभिमान, ये भी एक अभिमान की बीमारी। अच्छा, अब इस अभिमान में क्या है, उस चीज से, इसी को पता नहीं आपसे मैंने वेदांत में कहा था, शोभनाध्यास। शोभनाध्यास शब्द में कभी मत जूझिए, वेदांत के देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। शोभनाध्यास का मर्म क्या है, जिस चीज के प्रति मेरी सुख बुद्धि है उस चीज के प्रति मेरा शोभनाध्यास है, बना? जिस चीज के प्रति मेरी सुख बुद्धि, सुख बुद्धि मतलब एक कॉम्बिनेशन मैंने दिमाग में बैठा रखा है कि इस चीज को मिल जाने पर मेरी, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फीलिंग रिलैक्स। ये कहाँ है इक्वेशन, ये कहाँ है, ये दिमाग में है। उदाहरण मैंने आपको अपना उदाहरण दिया कि यदि सर्दी पड़ गई, खूब अच्छी ठंडक पड़ती है कभी कभी, यहाँ तो नहीं बाहर, खूब अच्छी ठंडक पड़ती है, आप जरा जाइए। अब मान लीजिए आपके पास, और कभी अच्छा लगता नहीं, लाल ही स्वेटर हो, लाल ही शॉल, सब लाल 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 कैसा दिखेगा, और अब मैंने कोई ब्राउन या कोई हल्की लाइट कलर का कुछ पहन लिया, अब उस समय दिमाग क्या कहता है, अच्छा लग रहा है? हमारे दिमाग में क्या, कब इसको उतार के रखूँ और कब अपनी ओरिजिनल ड्रेस में, ये दिमाग में क्या बैठा है। अच्छा, क्या वो काली शॉल ओढ़ने से आपका संन्यास कम हो गया, वो काला कुछ ओढ़ने से मेरा ज्ञान कम हो गया, लेकिन ये जो सुख बुद्धि है ये बैठी कहाँ है, इसको बोलते शोभनाध्यास। इसको थोड़ा व्यवहारिक बनाइएगा, शोभनाध्यास को। यदि संपत्ति में, सुख में, नाम में, यश में मेरी एक ये बुद्धि बैठी है कि ये मेरे पास है तो मैं सुखी हूं, और मैंने देखा है भगवान ने ऐसा पटक पटक के मारता है, जिस जिस चीज में आप देखिए सुख बुद्धि है, थोड़े थोड़े दिन में ना वो सब चीजें आपकी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा किनारे करता है, और आदमी रह लेता है, और थोड़े दिन बाद उसी का क्या हो जाता है, आपसे बताऊं, एक हाथ टूट जाए,
प्लास्टर चढ़ जाए तो 10 दिन तो बड़ा चोट लगती है, फिर आदमी नहा भी लेता है, सब क्रियाकर्म भी कर लेता है, खाना भी खा लेता है, सो भी जाता है, सब कुछ एक हाथ से, और अब अच्छा समझता है। और उल्टा जब दूसरा हाथ चालू होता तो उसको थोड़ी क्या होती पता है, कठिनाई होती है। लो जी, तो शोभना ध्यास जहां मेरी सुख बुद्धि है, सुख बुद्धि का धन में, वस्तु में, संपत्ति में। मैं आगे बढ़ रहा हूं, तीनों कवर हो गए आपके। पहला गुण, दूसरा क्रिया या कर्म, तीसरा इनका उपाय। मैंने कल बार बार कह रहा हूं, गुण का उपाय सीधा बैठा लिए, गुण हैं स्वागत कीजिए, होने ही चाहिए व्यक्तित्व में गुण। लेकिन ये गुण मुझे किसी ने दिए हैं, ये गुण किसी के कारण मुझ में, मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसमिट हुआ है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपको ये मानना पड़ता है कि आप जन्म से तो ज्ञानी नहीं थे, तो किसी ने आपके अंदर इन ज्ञान के गुणों को रखा है। माँ बाप को देखकर बच्चे न जाने कितनी चीजें सीखते हैं, ऐसे बैठना, ऐसे करना, ऐसे गुस्सा करना, ऐसे रिएक्ट करना, ये किससे सीखा सर? किसी से सीखा ना। तो जब भी आपको कोई गुणों के बारे में बोले तो आप अपने मन में एक तुरंत सजेशन फेंकिए, क्या चीज, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। हाँ, ये गुणों की जो खान है ये उससे आए हैं। कौन? वो ईश्वर है, वो कोई माँ है, पिता है, गुरु कोई है। बस ध्यान रखिएगा, टोपी अपने सिर मत पहनिएगा, इतना ध्यान रखना। और हमको टोपी पहनने में ओहो, तो आप गिरेंगे। बस अगला लक्षण यही होने वाला है, जब व्यक्ति ज़्यादा लोडेड हो जाता है ना सब, तो दूसरा क्षण ये होता है कि कहीं गिरता है, और जितना व्यक्ति हल्का रहता है उतना उसकी रफ्तार बनी रहती है। कभी किसी गुण को लेकर मत ढोइए, जीवन भारी हो जाएगा आपका। हल्के बनिए, और हल्के बनने का उपाय है लोगों को बांट दीजिए, ये आपके कारण है, या आपके कारण है, या आपके कारण है, मेरा अपना कुछ नहीं। लो जी खत्म। ये मैं बताऊँ, ये एक सेकंड का होता है जिस समय व्यक्ति को बोला जाता है, उसी सेकंड आपने उसको रिजेक्ट किया कि मेरा नहीं है तो किसी के कारण, खत्म हो गया। इसका परिणाम क्या आया, व्यक्ति विनयी बन गया। ठीक है, 9 सेकंड। कर्म, बार बार मैं आपको उदाहरण दे, ये मेरी शक्ति से नहीं हुआ है, ये किसी की शक्ति की वजह से हुआ है, किसी ने सौंपा है। मेरी अपनी खुद की इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बिना किसी के सहयोग के काम कर सकूं। मान लीजिए मैं यदि ये प्रवचन करता हूं तो मैं तो आके बैठ गया हूं, सच्चाई तो यही है ना भी, लेकिन इसके पहले कोई 5 बजे से उठा होगा, तो कोई सफाई कर रहा होगा, तो कोई बर्तन मांज रहा होगा, तो कोई गेट पे होगा, तो कोई मंदिर में होगा, कोई यहाँ झाड़ू पोछा कर, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, किसी ने माइक चलाया होगा, सब जा, और तब आके आपको क्या हो गया, यश मिल गया, आपने बड़ा अच्छा किया। लेकिन क्या ये याद है कि इसके पीछे अन्य लोगों ने भी क्या की है? तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए। तो आपका दिमाग कैसा हो गया? हल्का हो गया, हो गया। तीसरा, इन दोनों का परिणाम विनय है, देख लेना। ये जो लैंडिंग हुई आपकी जिस स्टेशन पे, वो हुई विनय, व्यक्ति विनयी हो गया। तीसरी लैंडिंग बहुत दूर हुई है, वो ये हुई, अब आपने वस्तु से सुख बुद्धि हटा दी, इससे विनय नहीं आता। इसका परिणाम मैंने क्या बोला है? वैराग्य है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, इस इतने चिंतन को दिमाग में रखिए, व्यवहार में जीने के काम में आएगा। सुख बुद्धि अगर आपने हटा दी तो फल ये आएगा कि आप क्या हो गए? वैराग्य। वैराग्यवान का अर्थ छोड़ना नहीं होता,
वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं होता, वो डरपोक छोड़ते हैं, डर के कारण छोड़, शर्म के कारण छोड़ते हैं, उसको वैराग्य नहीं कहते। चीज होवे और चीज न होवे तो भी मन कैसा है, आनंदित, इसका नाम क्या है, वैराग्य। मेरी इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है। मैंने भी कुछ सोचा, आप भी सोच के आए होंगे ऐसी आशा करता हूं। मेरी चर्चा आप पर अभिमान पे हो चुकी, अभिमान पे हो चुकी। जीव यदि है तो अपने आप को मापता जरूर है, बिना मापे, और अच्छी बात ही, अपना ही नहीं मापता जो भी उसके मशीन के सामने आया। और अब आपको हंसी आएगी, महाराज जी लोगों का तो नहीं कह सकता, माता जी लोगों का कह सकता हूं मैं, ये एंट्री हुई नहीं कि पहले वाले का, अब वो सामने वाला बैठा आपको देख रहा है और वो आपको पता है छिप छिप के क्या देखेंगे, उसकी साड़ी कैसा है, आज ड्रेसअप कैसा है, आज कैसा लग रहा है। देखो, और यही नहीं किया उसने, यहां कहानी नहीं खत्म हुई भी, और इससे उसने अपने आप को तुरंत क्या किया, मेरा आज ठीक नहीं है, मेरा हल्का है, मेरा गाढ़ा है, आज मैं इससे ज्यादा बेटर हूं, या मैं इससे, लो जी ये बंद कर लेंगे आप क्या? और मैं कह भी नहीं सकता कि आप बंद कर लीजिए, ठीक है। इसको बोलते मापना, व्यक्ति मापेगा जरूर, अपने को मापेगा, हाँ दूसरे को भी मापे, स्कैनिंग मशीन इसके दिमाग में। अच्छा यहाँ पे अब सुनो आगे कहानी क्या हुई। अपना दूध सभी ज़्यादा मापते हैं, जब मैं दूसरे को मापता हूँ हाँ तो मैं सदैव कम मापता हूँ, और जब मैं दूसरे को कम माप देता हूँ तो वही सी उसी बीमारी को बोलते हैं, आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, इसी को क्या बोलते हैं, अपमान किया। अच्छा मैं अपने आप को जब भी मापता हूँ ओहो दुर्गुण दिखाई नहीं देता, सब गुण इन्हीं के अंदर भरे हैं, तो व्यक्ति को क्या आ जाता है, अभिमान हो गया ना, ये अभिमान हो गया, ज्यादा मापना, ज्यादा मापेंगे पहचान, ये प्रशंसा नहीं हुई आपको, किसी ने टुच्चा मारा जरा सा कील, आप फ्यूज, समझ लेना आपको कौन सी बीमारी है, अभिमान। सम्मानित व्यक्ति कभी नहीं होगा ये, क्योंकि उसने अपने आप को उतना ही मापा है जितना वो है, जहां ज्यादा मापा है सिकुड़न वही है, डर भी वही है, भय भी वही है। तीन चीजें हो गई, अभिमान, ज्यादा माप दिया अपने आप को, कम मापा किसी को, हाँ अपमान, बराबर में नापा है सम्मान। आपने एक तीसरा शब्द छेड़ दिया था, स्वाभिमान। अब इस पे आप सुन लीजिए क्या कहना चाहता हूँ, जो मैंने अभी तक स्वामी जी को सुन पाया, समझ में आ पाया मेरे। स्वाभिमान और अभिमान ये दोनों जुड़वा भाई हैं। मतलब आपसे बोलूं, कब स्लिप हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए पहला मानिए बहुत अलग अलग नहीं है ये। और समाज में आधे से ज्यादा जो आपसे कह सकता हूं मैं गारंटी से, जिसको वो स्वाभिमान कह रहा है वो अभिमान का एक दूसरा रूप है और कुछ नहीं, कुछ नहीं, दूसरा रूप है अभिमान का। इसलिए मैंने बोला ये स्लिपरी एरिया है, कब फिसल के इधर चले गए पता नहीं। अच्छा जी, अब स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति अभिमान को पाल रहा है, देखिएगा था, स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति अविनय को पाल रहा है,
स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति उद्दंड हो रहा है, स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति अशिष्ट हो रहा है, स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति बेअदबी हो रही है, ये किसके नाम पर सब हो रहा है ये आप गिन लीजिएगा जो जो कि नहीं गया। ये मैं भी यही सोच रहा था कहाँ कहाँ दिखता है, क्या क्या गिनाया गया है। स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति अभिमानी, अपमान नहीं भाई, स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति अभिमानी हो रहा है, स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति अविनयी हो रहा है, स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति उद्दंड हो रहा है, स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति अशिष्ट हो रहा है, और स्वाभिमान के नाम पर व्यक्ति बेअदबी कर रहा है। किस नाम पर देखो जी, ये जितना उद्दंड मचाते हैं ये किस नाम पर, अच्छा हम हिंदू हैं इसके नाम पर आप क्या करेंगे, उद्दंड मचाएंगे। अब कोई जा रहा है आप उसको मार देंगे, कांच फोड़ देंगे, किसी को ठहरने नहीं देंगे, किसी को बात नहीं करने देंगे, ये क्या है, ये तो उद्दंड हुआ ना, ये किसने इजाजत दी आपको, मतलब दूसरे को ठेस पहुंचाकर आप स्वाभिमान का पालन करेंगे। और ध्यान, ये सब जिंदगी में ये सब चीजें हो रही एक ना, और अब व्यक्ति स्वाभिमान बोल देता है, गलत शब्द बोलता है, मैं देख रहा हूं व्यवहार में अशिष्टाचरण है, और अशिष्टाचरण के पीछे क्या है कि मेरा क्या है, ये तो मेरे स्वाभिमान पे चोट, कुछ नहीं है स्वाभिमान पे चोट नहीं है वो, हाँ अभिमान पर चोट लगी और आपने प्रतिक्रियाएं दी और उसको आपने अब ट्विस्ट कर दिया, किस नाम पर, मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंचाएगी। पहले इस फैक्ट को जान लीजिएगा, आधे से ज्यादा सा मसाला यही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैं एग्जैक्ट परिभाषा की ओर आता हूं। परिभाषा क्या दी गई, अपनी, इसको सावधानी से पकड़िएगा, ये इसी पे पूरा केंद्रित है थॉट, अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति जो सतर्कता है, शब्द क्या कहा गया, अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति जो सतर्क, अभी ये व्हाइट वाले भी नहीं चल रहे, अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति जो सतर्कता का भाव है वह स्वाभिमान है। घुमाइए जरा दिमाग, क्या कहा, अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति अलर्टनेस, सतर्कता का जो भाव है उसको हाँ स्वाभिमान कहा गया। बोले आप क्या कहना चाहते हैं, अच्छा मैं इतना बोल के सिर्फ आगे आ जाऊं क्योंकि पूरी परिभाषा को मैं खोलता हूं। अपनी विशिष्ट पहचान मतलब क्या, मतलब मैंने शब्द विशिष्ट पहचान यूज किया है, इसका मतलब एक सामान्य पहचान भी है, एक सामान्य पहचान भी होगी, उसकी तुलना में शब्द क्या प्रयोग किया गया है, विशिष्ट पहचान। विशिष्ट पहचान और सामान्य पहचान क्या है वैसे, हाँ हम सभी मानव हैं, ये सब क्या है, यही है ना, हम मानव हैं, हम जीव हैं, ये क्या हो गई सामान्य पहचान। अच्छा आप गृहस्थ हैं वो सन्यासी है, ये कैसी पहचान हुई, बोलिए, ये विद्यार्थी है और ये गृहस्थ है, ये कैसी पहचान हुई, हुआ। प्रश्न है किसने दी आपको विशिष्ट पहचान और कहां से लें,
ये एक अपने आप में बड़ा विषय है। विशिष्ट पहचान कहाँ से आवे, तो मैं तो संक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि इसको आपको स्वामी जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है। एक विशिष्ट पहचान आपको देता है शास्त्र। कौन देता है? शास्त्र। क्या पहचान दी शास्त्र ने? आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। ये किसने बताया आपको? शास्त्र ने। तो वही परंपरा चली जा रही, हो गया। अच्छा, एक पहचान आपको किसने दी? समाज ने। क्या पहचान दी? आप अधिकारी हैं, आप क्लर्क हैं, आप ऐसे रहेंगे, एक प्रोटोकॉल बनाया गया। एक सरकारी कार्यालय में सभी मानव हैं, लेकिन सबकी पहचान क्या हो गई? ये आएगा तो ये खड़ा होगा, ये आएगा तो ये बैठेगा, ये होगा तो ये पीछे चलेगा, ये आगे चलेगा, ये क्या हो गई? ये प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसने बनाए? समाज ने, हो गया। ये भाई संविधान भगवान ने बनाया क्या? संविधान तो हम लोगों ने बनाया, और कभी भी इसीलिए हम संविधान में क्या करते हैं, लेकिन उसके बनाए चीजों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ना इजाजत दी गई आपको। विशिष्ट पहचान कहां से आई? शास्त्र से आई, समाज से आई। तीसरी विशिष्ट पहचान स्वयं की नजर में, जहां न शास्त्र कहता है आपको कुछ बीच में आएगा, न समाज। जैसे मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं, ये पहचान किसकी नजर में हुई? स्वयं की, हो गया। अब बहुत सारे हैं, ये अध्याय 6 सुनिएगा कभी, इस पे स्वामी जी ने बहुत 3 दिन बोला है, और स्वामी शरणानंद जी ने इस पे और अच्छा से बोला है, जो प्रज्ञा चक्षु थे। मैं तो अपनी इस पे आ रहा हूं स्वाभिमान पर, लेकिन मेरी पहली परिभाषा का पहला शब्द क्या था? अपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार सतर्कता के भाव को क्या कहा गया? अब अच्छा, इसका अच्छा थोड़ी देर इस परिभाषा को छोड़िए, स्वधर्म की परिभाषा क्या दी गई? छोड़ दीजिए इस चैप्टर को। स्वधर्म की परिभाषा क्या दी गई? नहीं नहीं, हाँ, अपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार कर्तव्य करना स्वधर्म है। सावधानी से रखिएगा, स्वधर्म एक जैसा नहीं रहता। हम यही तो इसी पे तो अडिग हो गए, हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। लो जी, जेलो आप। मेरा स्वधर्म, मैं आपके साथ हूं तो अभी सीरियस अपनी स्टडी कर रहा हूं, मेरी तुरंत पहचान शिफ्ट हो जाएगी जैसे ही मैं बच्चों और युवाओं के साथ आया, उस समय मेरा स्वधर्म क्या है? अगर मुझे उनको पढ़ाना है तो ये पढ़ाई तो नहीं करा सकता। तो मेरा तुरंत, आप भी कहेंगे स्वामी जी आपको भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अब देखो नीचे आना पड़ेगा। ये नीचे आना क्या है? माता पिता आप हैं तो बच्चे के अनुसार आप भी क्या करते हैं अपने आप को? कभी आप रचयिता भी हैं तो कभी मारणकर्ता भी हैं, कभी पालनकर्ता भी हैं। कितने सारे स्वधर्म हो गए। और स्वधर्म का बहुत अच्छा एक एरिया मैंने कभी पढ़ाया होगा तीसरे चौथे अध्याय में, स्वधर्म निर्भर करता है कि आपके 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 सामने वाला कौन है। आपके सामने वाला कौन है? बना ना, सामने वाला पति है, सामने वाला ससुर है, सामने वाली माँ है, सामने वाला शिष्य है, क्या है? और वैसे ही आपका क्या बन गया? इसका मतलब स्वधर्म डिसाइड हरदम सदैव क्या हो रहा है? अब हम तो नहीं, हम ऐसे तो हम ऐसे ही रहेंगे। बड़ी मुश्किल भाई,
अब हम लाल कपड़े पे ही बैठेंगे, ट्रेन में कहाँ बैठोगे लाल कपड़े पे, फ्लाइट में कहाँ बैठोगे लाल कपड़े पे, हमें इसी थाली में वहाँ का खाओगे, फिर कहाँ तक ये ड्रामा चलेगा? नो, जहाँ बनता है वहाँ अपने नियम को क्या कीजिए, पूरा कीजिए, लेकिन जहाँ नहीं होता है प्लीज किसी को कष्ट देकर अपने सुधर्म का पालन मत कीजिए। बहुत सावधानी से सुनिए, हम लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बड़े कड़े हो गए हैं, जिसको बोलते रूड हो गए हैं। किसी को कष्ट देकर आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज स्पिरिचुअलिटी? भगवान अपना छोड़ छाड़ के सब कुछ शबरी के बेर खा लिया, गुरु के पास बैठ गए जो कि ब्रह्म था, और हम आप यहीं फंसे पड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरी आध्यात्मिकता चली भाड़ में जाए। आपका मन शांत है, प्रेम से भरा है, कहीं एकांत में बैठ के आप क्या कर सकते हैं, अब नाम ले सकते हैं, यही आध्यात्मिकता है। आडंबरों में मत फंसिए, फंसेंगे तो ध्यान किधर रहेगा? आडंबर में। आप देखना, जहां मैं आडंबर पे फंसा तो मेरा पूरा ध्यान आडंबर पे होगा, ना कि, और ध्यान कि जितना आप निभा सकते हैं किसी को कष्ट दिए बगैर, प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए। दिस इज कॉल्ड ट्रू स्पिरिचुअलिटी। तपोवन जी गुरुदेव कहां बैठ गए? जिसने जहां बुला लिया वो उसी के पास क्या हो गए? ये था ना संतत्व का गुण, ये था ना आध्यात्मिकता। फिर से, अपनी विशिष्ट पहचान के अनुसार कर्म करना। मेरी एक विशिष्ट पहचान, हर जगह विशिष्ट पहचान क्या हो रही है आपकी, बदल रही है। अभी आप पति हैं, फिर बॉस बन गए, भाई बन गए, फिर कुछ बन गए, सब पहचान क्या हो रही है आपकी, बदल रही है। और जैसे ही आपकी पहचान बदल रही है वैसे ही आपके क्या बदल रहे हैं, और उसी कर्म को करना जो आपकी पहचान है, इसको क्या बोलेंगे? अब यदि कोई व्यक्ति स्वाभिमान का पालन करेगा, स्वाभिमान मतलब विशिष्ट पहचान के प्रति सतर्कता का भाव, तो वो लैंड कहाँ होगा? हाँ, अभिमान में लैंड होगा। इसका मतलब अभी अभी आप दिमाग में क्लियर, जब मैं अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति सतर्क हूं, मान लीजिए मैं सतर्क हूं, आप सतर्क हैं, क्या पहचान है आपकी? मैं गृहस्थ हूं, ठीक है, आप शिष्य हैं, आपकी ये क्या हो गई, ये विशिष्ट पहचान। यदि इसके प्रति आप सतर्क हैं तो अब एक्सटर्नल क्या, देखो द अलर्टनेस जो है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है। आता है ना समझ में क्या कहा जा रहा है? ये जो अलर्टनेस है ये इंटरनल है। इस अलर्टनेस का एक्सटर्नल रूप क्या होगा? जो आपके अलर्टनेस है उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये कब करेंगे? जब आप अलर्ट हैं। क्या अलर्टनेस है? मेरी एक विशिष्ट पहचान। समझ में आ रहा है? आप देखो, जितना व्यक्ति स्वाभिमानी होगा वो क्या कहेगा, मैं अपनी ड्यूटी का पालन करूंगा, ना कि लड़ाई दंगा। ध्यान रखना, मैं उसका पक्षी भी दिखा रहा हूं आपको, कहां से ये घुस गया बीच में, हो गया। इतनी चीजें समझ में आती हैं? यदि अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति सतर्कता का भाव है, सदैव रहता है, तो आप लैंड कहां कर जाएंगे? सुधर में। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ आप। अब दूसरा स्वाभिमान की, तो वो एरिया बड़ा, इसी का सेकंड फेज।
अब अपनी विशिष्ट पहचान की, जो आपकी पहचान है, प्रतिरक्षा में जो प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं वह भी व्यक्ति का क्या है, स्वाभिमान है। सावधानी से क्या कहा जा रहा है, आपका एक स्वाभिमान है जो कैसा है, विशिष्ट पहचान है, और उस पर किसी ने आपको क्या की चोट करने की कोशिश की। किस पर? पहचान पर। कैसी पहचान? तो फिर अब आप जो रिएक्ट करेंगे, ध्यान रखना, वो जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्वाभिमान। दोनों रूप आ गए ना। आप पिता है और उसकी पहचान क्या है कि मैं पिता हूं और मैं ऐसा मानता हूं, ऑर्थोडॉक्स भी हूं। कितना भी ये दुनिया विकसित मॉडर्न हो जाए, पिता को अपने पुत्र से एक व्यवहार की क्या रहती है, अपेक्षा रहती है। कितना भी मॉडर्न, उसके कंधे पे हाथ रखकर वो चले और दोस्त, तो थोड़े समय तो अच्छा लगेगा, उसके बाद आप कितने भी बड़े हों वो क्या चाहेगा कि आप हमसे मतलब कीप सम डिस्टेंस। मतलब एक जो मेरा आपसे ऊपर का एक पद है उसको क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कौन, ध्यान रखना, पुत्र की बात कह रहा हूं, ये पिता को सदैव क्या रहेगी, अपेक्षा रहती उसका। ये अब आपने उसके साथ गलत शब्द, गलत व्यवहार किया, किसके साथ, तो अब पिता क्या करेगा, बोलिए ना, आपने किस पे चोट मारी उसके, तो अब वो आपको क्या करेगा, अब जो करेगा वो क्या है उसका, देखो ये एक दूसरा पक्ष है। आया? मतलब जो प्रतिक्रिया की जाए, ध्यान रखना, प्रतिक्रिया कब की जा रही है, जब आप पर क्या कर दिया गया, अटैक किया गया। किस पर अटैक किया गया, मेरी विशिष्ट, ध्यान रखना, किसी अन्य फॉल्ट्स पे नहीं। आप कह दीजिए कि आप अनपढ़ हैं, गवार हैं, सुंदर नहीं हैं, पिता को ठीक है भैया हम अनपढ़ हैं, गवार हैं, नहीं मानेंगे। अगर बुजुर्ग होगा कहेगा ठीक है मैं हूं, लेकिन आपने उसके पितृत्व पे कुछ बोला, किसी के मातृत्व पे कुछ बोला, तब वो पिता और माता आपको सहन नहीं कर पाएंगे। फिर जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज कॉल्ड स्वाभिमान। अब वहां पे कुछ अप्रिय शब्द, अप्रिय वाक्य, अप्रिय क्रियाएं संभव हैं, होती हैं, ठीक है ना एरिया। तो मैं इसको और अच्छे से कहूं, आतंकवादी आया और उसने सबको भूना। अब क्या हुआ, जैसे वो घुसे और उन्होंने चालू किया सबको हिट करना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर कौन सा विभाग काम में आता है, गवर्नमेंट का कौन सा विभाग उस समय एक्टिव होता है, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। अब रक्षा मंत्रालय क्या करता है, करता क्या है, वो जो आपने किया है उससे डबल अटैक कर हाँ आपको अपनी बाउंड्री से क्या करके आएगा, ये किसका काम है, ये होगा कि नहीं होगा। कोई घुसा और आपका इंटेंशन ठीक नहीं है और आपने कुछ ऐसी घटनाएं की, तो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय उस स्ट्रेटजी पर आता है जिस स्ट्रेटजी पर आप हैं। आप गोला बारूद लेके हम आपके आके हाथ जोड़े, ये तो नहीं चलेगा, आप चले जाइए, ऐसा तो नहीं करेगा कोई। जिस लेवल पर आप हैं
उससे जस्ट डबल लेवल पर वो जाकर और आपको मार कर खदेड़ कर अपनी बाउंड्री से क्या करके आएगा नाउ। ये घटना कब हुई? ये प्रतिक्रिया है, ये क्रिया नहीं है, ये क्या है? ये प्रतिक्रिया कब हुई? जब आपने मेरे स्वाभिमान पे क्या मारी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभिमान आतंकवादी है, अभिमान आतंकवादी है। और जब उसको रक्षा मंत्रालय जो है वो कौन है? वो स्वाभिमान है। दोनों ही हिट करते हैं, दोनों इस लेवल पर जाएंगे। लेकिन कब? जब आपने मेरे स्वाभिमान पर, ध्यान रखना, लड़ाई के नाम पर सदैव कई कई व्यक्ति हर बात में स्वाभिमान पे ले आते हैं तो गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसके दोनों रूपों को समझिएगा। अच्छा, इसका उदाहरण लक्ष्मण जी ने महाराज विश्वामित्र को थोड़ा कुछ क्या बोला जाए, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया गुस्से में आके परशुराम जी। उस घटना का जरा एनालिसिस कीजिए, क्या कहा जाएगा लक्ष्मण जी के चरित्र को? वीर विहीन में जानी, ये किसने बोल दिया? बोलिए जी, जनक जी ने बोला, परशुराम जी ने भी बोल दिया कि यहां तो कोई अब। और उस समय चोट किस पर पहुंची? विशिष्ट पहचान पर। और विशिष्ट पहचान क्या थी? मैं क्षत्रिय हूं। और आपने क्या बोल दिया? वीर विहीन। किस पे चोट पहुंची? क्या राम ने इस कमेंट्स के लिए लक्ष्मण को रोका, डांटा? क्यों नहीं डांटा जी? यही नहीं, पढ़िएगा, राम जी ने मुस्कुराते हुए बोला विश्वामित्र जी को, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन अगर आपने उससे ऊपर की कुछ बातचीत की तो मैं ये सब ध्यान में नहीं रखूंगा, मेरा जो स्वरूप है मैं उसमें आ जाऊंगा। ये किसको बोल दिया राम, राम जी ने? ओफो, देखो जरा, ये राम की भी प्रतिक्रिया पढ़िएगा जरा। क्या बोलते हैं? काले ही चौपाई याद है किसी को? काल भी आ जाए बोले तो मुझे नहीं रोक सकता, आप क्या बात कर रहे हैं? ये किसका स्टेटमेंट है? आप लो जी, ये क्या है? ये प्रतिक्रिया है। किस बात पर दी गई? आपने मेरे स्वाभिमान पे क्या मारी है? मेरा स्वाभिमान क्या है? मैं क्षत्रिय हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, रघुवंश का हूं, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं विनय से कह रहा था आपके लिए। देखो, तो इसलिए सदैव मुझे ये रूपक बहुत सुंदर लगा, आतंकवादी कौन है? अभिमानी। लेकिन स्वाभिमानी क्या है? रक्षा मंत्रालय। वो तभी काउंटर अटैक करेगा जब आपने मेरी विशिष्ट पहचान को क्या कर दी हो, चोट मारी हो। बन गया? अब आप देखो व्यक्ति को फायदा क्या क्या हुआ। अगर व्यक्ति में विनय है, मैं इसका आपको वो रूप बता रहा हूं, एकदम बाहरी रूप जहां आके व्यवहार की व्याख्या है। विनयी व्यक्ति यदि है तो वो उसको आहत कम होएगा। अब जो हम आहत हो जाते हैं ना, आहत मतलब इसको हमारे सामने वल्नरेबल जिसको बोलते हैं आप, हर चीज में आपको एक एक डर है, भय, किसी ने कुछ कहा तो आप तुरंत क्या हो गए पता है? गए काम से। यदि आपकी विनयी होने का स्वभाव है तो आप आहत होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ध्यान रखिए, वही जो कड़ा है, जो ऐसी ठूंठ जैसा है, वही व्यक्ति को चोट लगेगी। और चोट तो यहां लोग मारेंगे, ये मत बोलो कि लोग नहीं मारेंगे। अब लोग खड़े हैं तो मारने के लिए खड़े हैं, आपके आशीर्वाद के लिए थोड़ी ना करें, ऐसा मान के चलिए ना। हमारे एक डॉक्टर साहब थे, ये डॉक्टर सैनी, मुझे याद है
एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने 8-10 साल पहले, बहुत पहले 2003-4-5 की बात थी, एक बार मैं इधर विजयनगर ट्रैफिक पर, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, मेरे कहा इस ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दिया, आप समझिए ऐसा मानिए कि इस ट्रैफिक में, इस इंदौर में गाड़ी चलाना सिर्फ आपको ही आता है, जो ड्राइविंग से, ये सब पागल हैं, सब पिए हुए हैं। अब पागलों के बीच में, पिए हुए के बीच में जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सोच कर चलें कि इनको कुछ नहीं आता, जो गाड़ी चलानी है किसको चलानी है। तो आप अपनी गाड़ी को धीरे से क्या कर ले, जहां आपने दूसरे से अपेक्षा की वहीं आप चोट खाएंगे। ये वाक्य मुझे घुस गया दिमाग में, बात तो सही है, अगर मैं अपने प्रति सतर्क रहूं तो दूसरे वाले से क्यों अपेक्षा रखूंगा भाई। विनयी हैं तो आप आहत होने का जो स्वभाव लोग आहत कर देते हैं उससे आप बच जाएंगे, पहला हो गया। दूसरा, ये विनय का मैं इसका देखो, गुण और कर्म, इनका उपाय क्या हो गया, विनय। विनय का व्यवहार में क्या रूप है, आप आहत होने से बच जाएंगे, ये बाहर जब आप व्यवहार क्षेत्र में जाएंगे। यदि शोभना अध्यास खत्म हो गया है, सुख बुद्धि खत्म हो गई है, तो परिणाम क्या होगा पता है, विषयों वैराग्य, तो इसका बाहर क्या रिजल्ट आएगा, कोई विषय आपको गुलाम नहीं कर पाएगा, आपको अनुभव होगा कि मैं स्वाधीन हूं, मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं अपना आपा खो बैठा ना, ये तो व्यक्ति फंसा हुआ है, अभी कहीं फंसा, कुछ भी ना मिले और मैं अपने आप को क्या रखूंगा। यही मैं उस दिन कह रहा था गुरु पूर्णिमा के दिन, महाराज जी गुरु ये आपको अभ्यास करा देता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जिस चीज की आपको आशा है वो भी नहीं मिलेगा, यहां तक कि लड्डू और पानी भी नहीं दिया, जियो अब। और उसमें भी व्यक्ति क्या कर उसमें भी व्यक्ति जी सकता है, जीता है, वही उसको बलवान बनाते हैं। ये महाराज कोई गुरु मिल जाए ठीक से तो ठोंक ठोंक के बाबा रे बाबा व्यक्ति को लाइन पिला देता है। इसीलिए मैं कल किसी से कह, एक व्यक्ति आया बोले मैं गुरु पूर्णिमा पे नहीं आ सका, तो मैंने कहा ठीक है, आते तो राम जाते तो राम, नहीं गा पाए कोई होगा परेशानी, बोले नहीं मैं बाहर, तो मैंने कहा फिर, बोले मैंने वो तस्वीर पे कर ली थी आपका, भैया पत्थर पूज लेना तस्वीर पूज लेना आसान है, माता पिता के मर जाने के बाद फूल माल पहचान पहना लेना बहुत आसान है, जरा जीते हुए माला पहनाओ तो समझ में आएगा अहंकार कितना है। जीते हुए गुरु के पास रहो जरा 10 दिन तो आपकी ऐसी उधेड़ बिने होंगे, या तो आप हट ही जाओगे या तो आप सुधर ही जाओगे, बीच का चीज नहीं हो सकती यदि ठीक गुरु आपसे बताओ, इम्पॉसिबल है आपको रखे इस चीज में। सुख बुद्धि आपकी यदि हट गई तो परिणाम ये होगा, व्यक्ति ने दिनचर्या में मैं देखता हूं इसी चीजों से, वो विषयों से जुड़ा है कि ये नहीं मिला तो मैं अपने आप को क्या समझता हूं। देखो चाय न मिले तो भी आप क्या रहिए पता है, बने रहिए, परीक्षा कीजिए अपने आप पर, जीत हासिल कीजिए, मैं नहीं कह रहा मत पीजिए, और जीत हासिल हो जाने के बाद फिर क्या कीजिए, लेकिन कभी ना मिले तो कोई बात नहीं। ये जीत का एहसास तभी होगा जब आपकी सुख बुद्धि वहां से क्या हुई होगी, यानी कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप सामान को प्रयोग ना करें, प्रयोग कीजिए खूब कीजिए, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन मत बनाइए कि यदि ये नहीं मिला हाँ तो मैं नहीं रह पाऊंगा, ये तो फिर आपको बहुत गलत जगह पहुंचा दे। बन गया, तो कौन कौन सा हो गया, विनय आ गया तो आप आहत होने के स्वभाव से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। सुख बुद्धि हट गई तो परिणाम क्या आएगा, तो आप विषयों से क्या हो जाएंगे, पराधीनता खड़ा, तो आप मौत से जिएंगे, मिलता है तो ठीक नहीं मिलता है
ये है इसकी व्यवहारिक व्याख्या। आगे कल आते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। एक चीज आपको बोलनी थी, जिन्होंने पिछली बार किया होगा उनको अपना अनुभव होगा। ये जो आश्रम में अभी प्रतिदिन श्रावण में क्या होने की बात हुई थी, रुद्राभिषेक दो दिन तीन दिन तो हुआ है, मन में तो इच्छा है कि ये 300 दिन क्या होने चाहिए, कंटिन्यू होने चाहिए, और ये आप ही के लिए रखा गया है। उनको लगता है कि कोई एक दिन है जो वो चूज कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग हो चाहे वो इवनिंग हो। तो आप अपना नाम यहाँ पे अभी विजय जी, सरोज माँ और क्या बोलते हैं एक रत्ना माँ हैं, है ना, तो आपके पास आके नोट करा सकते हैं। ये लोग कोई ना मिले तो आप मुझे आके नोट करा दें, लेकिन अपना एक दिन अपना क्या कीजिए, जरूर बुक कराइए, जिससे कि कोई दूसरा है तो फिर ये इधर उधर नहीं हो लास्ट में। ठीक है, धन्यवाद।